हेलो स्टूडेंट्स, मैं नविता आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास सिक्स के चैप्टर सेवन फ्रैक्शंस की एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर सिक्स। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है? चेक वेदर द गिवन फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। हमें चेक करना है कि क्या ये फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट हैं या नहीं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट पे देखिए तो 5/9 है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है। सिंपलेस्ट फॉर्म, लोएस्ट फॉर्म कौन सी फॉर्म होती है जिसकी आगे कटिंग नहीं हो सकती? ठीक है, जैसे 5/9, 5/9 दोनों किसी भी एक टेबल पे नहीं जाते, इनकी आगे कटिंग नहीं होगी, तो उसको हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 30/54 ये दोनों के दोनों नंबर 6 के टेबल पे जाते हैं, तो हम इसके 6 के टेबल पर कटिंग करते हैं। 6 के टेबल पे 30 जाएगा 5 पे, 54 जाएगा 9 पे। अभी ध्यान से देखिए, ये भी 5/9 और ये भी 5/9 है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 5/9 है वो इक्वल किसके होगा? 30/54 के। स्टूडेंट सेम ऐसे ही होगा इसका पार्ट टू। पार्ट टू में ये 3/10 है, इसकी कटिंग तो हम नहीं कर सकते। दूसरा नंबर है हमारे पास 12/50, इसकी हम कटिंग कर सकते हैं। 2 के टेबल पे 12 जाएगा 6 पे और 50 जाएगा 25 पे। इसका मतलब ये हुआ कि जो 3/10 है वो 6/25 के इक्वल नहीं है। ऐसे स्टूडेंट्स इसका लास्ट पार्ट है, इसमें तो देखते ही पता चल रहा है कटिंग तो किसी की भी नहीं हो रही, तो 7/13 जो है वो इक्वल नहीं है 5/11 के। ये था बिल्कुल सिंपल सा इसका क्वेश्चन नंबर सिक्स। आगे है क्वेश्चन नंबर सेवन। जैसे हम इसमें कटिंग कर रहे हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है, रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू सिंपलेस्ट फॉर्म। सबसे पहले हमारे पास क्या है? 48/60। तो 48/60 की हम कटिंग करते हैं स्टूडेंट्स 12 के टेबल पे। 12 4s होता है 48 and 12 5s होता है 16। तो कितना आंसर आ गया हमारा? 4/5। आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। स्टूडेंट्स इसकी हम कटिंग कर लेते हैं, देखिए यहाँ से 0 से 0 सिंपली कट हो जाएगा। ठीक है, आगे हम इसकी कटिंग कर लेते हैं 3 के टेबल पे, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि हम इसकी कटिंग 30 के टेबल पे कर रहे हैं। 30 के टेबल पे 150 है जो वो 5 पे जाएगा और 60 कितने पे जाएगा? 2 पे। आगे देखिए, आगे हमारे पास है 84/98। स्टूडेंट्स 84/98 की हम कटिंग करेंगे 14 के टेबल पे। 14 के टेबल पे जो 84 है वो कितने पे जाएगा? 6 पे। 14 6, ध्यान से देखिए यहाँ पे करके देख लेते हैं। 14 6 84 होता है और 98 जाएगा 7 के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया? 6/7। आगे देखिए 12/52, इसकी कटिंग 2 के टेबल पे करते हैं। 2 के टेबल पे 12 जाएगा 6 पर और 52 जाएगा 13 पर। तो स्टूडेंट्स अब इसका लास्ट पार्ट है, यहाँ पे 7/28 है, इसकी कटिंग हम 7 के टेबल पे ही करेंगे। 7 के टेबल पे 7 गया, 1 पे 28 गया 4 पर। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 भी इसके साथ कंप्लीट होता है। आगे चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? रमेश है 20 पेंसिल्स, शिरू हैड 50 पेंसिल्स एंड जमाल हैड 80 पेंसिल्स। तीनों के बाद कितनी कितनी पेंसिल्स है वो हमें बताया हुआ है। आफ्टर 4 मंथ रमेश यू, अभी 4 मंथ्स के बाद रमेश ने 10 पेंसिल्स यूज कर ली, शिरू ने 25 और जमाल ने 40 पेंसिल्स यूज कर ली है। अभी हमें ये बताना है कि व्हाट फ्रैक्शन डिड ईच यूज अप, हर एक ने कितनी कितनी फ्रैक्शन यूज की है। ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे फ्रैक्शन यूज्ड बाय, सबसे पहले किसकी लिखते हैं? रमेश की। रमेश, RAMESH। तो रमेश की फ्रैक्शन निकालेंगे। सबसे पहले देखिए रमेश के पास टोटल 20 पेंसिल्स थी और 20 में से उसने 10 यूज की थी। जितनी यूज कर ली वो हम ऊपर लिखेंगे, जितनी उसके पास थी वो हम नीचे लिखेंगे। तो ये फ्रैक्शन निकल गई। आगे इसकी कटिंग हो रही है 10 के टेबल पे, 10 जाएगा 1 पे, 20 जाएगा 2 पे, तो कितना आ गया? 1/2। इसके बाद रमेश के बाद कौन है? शीलू। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्या निकालेंगे? फ्रैक्शन यूज बाय शीलू। फ्रैक्शन यूज बाय शीलू। अभी शीलू के पास पहले 50 पेंसिल थी जिसमें से उसने 25 पेंसिल यूज कर ली, तो यहाँ पे क्या आएगा? 25/50। इसकी भी कटिंग होगी 25 के टेबल में, 25 जाएगा 1 पे, 50 जाएगा 2 पे। शीरू के बाद है जमाल, तो जमाल का भी ऐसे ही निकालेंगे हम कि फ्रैक्शन यूज बाय जमाल, JAMALL। तो जमाल के पास स्टूडेंट्स पहले 80 पेंसिल थी, 80 में से उसने 40 यूज कर ली, तो इसका क्या आएगा? 40/80। कटिंग करके इसका भी आ गया 1/2, 40 के टेबल पे हमने कटिंग कर ली, सबकी फ्रैक्शन निकल गई। आगे क्या है? चेक इफ ईच हैज यूज
यूज अप इक्वल फ्रैक्शन। चेक करने की सबने इक्वल फ्रैक्शन यूज किया, देख के पता चल रहा है सबका 1/2 ही आ रहा है, तो इसका मतलब क्या आएगा कि यस यस ईच हैड यूज्ड इक्वल फ्रैक्शन। यस ईच हैज यूज्ड इक्वल फ्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट होता है। चलिए इसके बाद डिस्कस करते हैं इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9। चलिए स्टूडेंट्स अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, मैच द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस एंड राइट 2 मोर ऑफ ईच। इनमें से हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को मैच करना है और दो और इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखनी है। सबसे पहले क्या है 250/400, साइड पे इसको सॉल्व भी करेंगे साथ साथ में। यहाँ पे क्या है 250/400, इन्हें पहले हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, देखिए चेंज करना शुरू करते हैं। पहले जीरो के साथ जीरो कट हो जाएगी तो क्या बचेगा 25/40। ठीक है, आगे देखिए इसकी कटिंग फिर से हो रही है, 5 के टेबल के 5 पे टेबल पे 25 जाएगा 5 पर और 40 जाएगा 8 पे, कितना आ गया 5/8। आगे कटिंग नहीं हो रही, यहाँ पे देखिए 5/8 ये रहा, तो इसका मतलब कि इन दोनों की क्या हो गई, मैचिंग हो गई। और इसमें हमने टू मोर फ्रैक्शन लिखनी थी, एक तो हमारे पास यही आ गई 25/40 और दूसरी क्या आ गई 5/8। ओके स्टूडेंट्स चलिए आगे चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे। यहाँ पे क्या है 180/200। इसमें भी वैसे ही करते हैं, पहले कटिंग कर लेते हैं हम, इसकी जीरो के साथ जीरो कट कर दी। आगे देखिए 2 के टेबल पे करते हैं, ये गया 9 पे और ये गया 10 पे, इसका मतलब इस वाले की मैचिंग होगी इसके साथ। और टू मोर फ्रैक्शन यहाँ पे साथ साथ ही आ रही है। नेक्स्ट है 660/990। अगेन वैसे जीरो के साथ पहले जीरो कट कर देते हैं। आगे देखिए इनकी कटिंग 3 के टेबल पे हो रही है, 3 के टेबल पे 66 जो है वो जाएगा 22 पे और 99 जो है वो जाएगा 33 पे। फिर से इनकी कटिंग हो रही है 11 के टेबल पे, ये गया 2 पर, ये गया 3 पर, तो मतलब इसकी मैचिंग होगी 2/3 के साथ। और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो उन्होंने दो और लिखने के लिए बोले थे वो हमारी साथ ही साथ आई जा रही है। नेक्स्ट है 180/360। यहाँ पे भी जीरो के साथ पहले जीरो कट कर देते हैं, उसके बाद इसकी कटिंग में 2 के टेबल पे कर ले, 6 के टेबल पे कर लेते हैं, 6 के टेबल पे 18 जाएगा 3 पे और 36 जाएगा 6 पर। आगे फिर से कटिंग हो रही है 1/2। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास 1/2 आ गया, मतलब ये वाला, तो इसकी मैचिंग इसके साथ हो गई। अभी वैसे तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पता ही है जो बच गया उसके साथ ही मैचिंग होगी, पर हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी साथ में लिखने हैं इसलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 220/550 है, जीरो के साथ जीरो कट गया, 22/55 आ गया। आगे इसकी कटिंग 11 के टेबल पे हो जाएगी तो कितना आ जाएगा 2/5। तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट होती है। होप आपको समझ आ गई होगी, पर अगर फिर भी कहीं पे कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबाएं और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।